हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है रीट विद्यार्थियों के लिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना। जैसा कि दोस्तों आप सबके बच्चों के बहुत सारे मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर, रीट की जो टेस्ट सीरीज आपने शुरू कर रखी है उसका आप सॉल्यूशन भी करा दो। बट दोस्तों, मैं आपको कहूँगा, दोस्तों आप बताइए कि रीट की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराना क्या संभव है? मेरे को लगता है दोस्तों संभव मतलब असंभव है, क्योंकि दोस्तों एक तो सभी टीचर को एक साथ रखना, फिर उनको मैनेज करना थोड़ा बहुत टिपिकल टास्क होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दो आपको, ये जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है लेवल वन की, लेवल टू SST और लेवल टू साइंस मैथ्स की, तीन टेस्ट सीरीज हमारी है। लेवल वन की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है और लेवल टू साइंस की है और लेवल टू SST की है। ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमने मानी 9999 प्रश्नों की बुक से ही बनाई है और बेसिकली हमने 9999 प्रश्नों की बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया। तो दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आप उसको देखकर अपना आकलन कर सकते हो कि एक्चुअल में आप लोगों की क्या पोजीशन है, नेगेटिव मार्किंग में आपकी क्या पोजीशन रहती है, आपकी क्या रैंक रहती है, जिससे आप और अपनी तैयारी को मजबूत कर सको। दोस्तों, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि हम टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराना हमारे लिए एक असंभव है और टीम दिन बचे कम, तो आप टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आप खुद करते रहो। मैं चाहता हूँ इन दिनों में हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करें और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें। जैसे कि मैं बात करूँ आप लोगों से, आपने देखा होगा दोस्तों अभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। आज आप CET का पेपर देख लो तो राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन दोनों कम आते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है। और राजस्थान हिस्ट्री हमने पूरी करा रखी है और दीपक सर थोड़े बिजी है दोस्तों, उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, ठीक है, वो थोड़ा बाहर, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, तो वो क्लास लेने में थोड़ी अभी असमर्थ है। हो सकता है अगर कोशिश करेंगे उनकी क्लास हम लगा दें, बट दोस्तों अगर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन आवश्यकता नहीं, समय समय पर आपको मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ तैयार कराती रहेगी। अब दोस्तों ये दिन जो है ना, अभी जो समय है ना, वो केवल एक का समय, आपको लास्ट बार दो, अब आपको केवल एक चीज़ पर फोकस करना है। लेवल वन के विद्यार्थियों ध्यान दें, आप जो 9999 प्रश्नों की जो बुक है उस बुक का सारा सॉल्यूशन देख लेना, बस उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये आपने हमको आज भी हमने साबित कर दिया और आगे भी साबित, और उसका सॉल्यूशन हमने आपको पूरा करवा दिया है, उसी को बार बार देखते रहो। अब तुमको सर सॉल्यूशन के हमको वीडियो नहीं मिलते तो आपकी गलती है। आप हमारे पेड कोर्स में जाइए, पेड कोर्स की कीमत है कितनी, 99 रुपीज़। पेड कोर्स में हमने एक अलग से फोल्डर बना रखा है 9999 प्रश्नों की बुक का, उसका वीडियो आपको जो भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, वगैरह वगैरह, सेक्सी पढ़ना है, कुछ वो सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू करो। बाकी समय समय तो ज्योग्राफी की तैयारी मैं कराई रहा हूँ, हिस्ट्री की तैयारी, सॉरी कला संस्कृति की तैयारी कराई रहा हूँ, और भी दोस्तों समय समय पर आप लोगों को जो अब मेरे को लगता है जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मेरे को विचार विमर्श करना है, वो मैं आपको कराता रहूँगा और आप लोगों के साथ एंड तक रहूँगा। बस दोस्तों टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन शायद नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप खुद सोचो दोस्तों कैसे होगा सब, मेरे को लगता है मैं खुद परेशान हूँ दोस्तों, कैसे सो लगूँगा, मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज में कम से इतने 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए हमारी टीम के पास कम से 6 घंटे होने चाहिए, क्योंकि हम पोस्टमार्टम करके समझाते हैं, तो बताओ 6 घंटे में कैसे का? और बेसिकली ये क्वेश्चन वही है दोस्तों जो हमने 9999 पर्सेंट बुक से लिए, तो फिर क्या बताओ सोल्यूशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? अब फिर भी आपको लगता है दोस्तों तो आप कमेंट, सर लगता क्या दोस्तों, आपकी डिमांड नाजायज डिमांड होगी और नाजायज डिमांड को हम कैसे पूरी करें दोस्तों, मेरे पास समय नहीं मिलेगा दोस्तों। इससे अच्छा है कि दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज को सोल्यूशन ना करा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर करके आपको रिवाइज कराता हूँ, तो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आप खुद देख लेना। तो टेस्ट सीरीज का मतलब है कि दोस्तों आप लोग जो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आपने जो पढ़ा उसका आकलन करना है, क्या गलती क्या सही। हाँ, अगर टेस्ट सीरीज में कोई 2-4% गलत भी हो जाए दोस्तों, तो यार इतना तो दिमाग है दोस्तों यार, आप बताओ दोस्तों कि अगर RPSC एग्जाम लेती है, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेता है, तो 150 में 100 में से क्या उनके 4-5 क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्या उन पर रीट नहीं लगती होती ना? तो जब दोस्तों उन बोर्ड के द्वारा जहाँ करोड़ों रुपये लगते हैं, जब उनके द्वारा मिस्टेक हो सकती है, यार हम तो इंसान हैं तो छोटी मोटी गलती हो जाती है दोस्तों, उसके लिए आप इतना कई बार परेशान मत होकर दोस्तों। मैं बताऊँ, आदमी पॉजिटिव इंसान दोस्तों गलतियों को इग्नोर करता है और आगे की ओर बढ़ता है, बाकी नेगेटिव इंसान क्या करता है, पॉजिटिव को छोड़ता है, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। और आप मुकेश सर के स्टूडेंट हो तो आप पॉजिटिव हो, आपकी सफलता के लिए दोस्तों मैं दिन रात मेहनत करूँगा और आपकी सफलता के लिए दिन रात आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, अपना आकलन करो, चेक करो कि आपकी रैंक क्या रहती है, गलतियों को सुधारो, नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में करनी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लिए बात को और मैं आपको समय समय पर आपको और बता दूंगा। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आज रात को 9 बजे से लेकर सुबह तक आप लोगों की हिंदी सेक्शन वीडियो की मैराथन क्लास होगी, जो रीट लेवल 2 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हिंदी सेक्शन वीडियो की क्लास होगी आज पूरी, तो रेडी रहना सब लोग दोस्तों, आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और शिक्षण विधि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षण विधियों को बच्चे इग्नोर करके जाते हैं,
ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों मेरी बात आप समझ गए होंगे, मेरी भावनाओं को भी समझ गए होंगे और मेरी तकलीफ को भी समझ गए कि यार मुकेश सर तकलीफ में है। मतलब तकलीफ वाला यार कोई बीमार नहीं हूँ, ठीक है। तकलीफ का मतलब दोस्तों जो चीज़ संभव है वो हम करेंगे, लेकिन जो संभव ही नहीं हो पाएगी दोस्तों वो तो कैसे करूँगा दोस्तों, बताओ आप बताओ कैसे करूँगा। आप रास्ता बता देना आपका, अगर रास्ता सही है तो मैं सही कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। सारे रास्ते में दोस्तों शिक्षा का व्यापार खत्म कर रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, आज मैं गया था कहीं, हर जगह अपनी चर्चा हो रही है, सबको ये लग रहा है कि अब शिक्षा का व्यापार अब खत्म होगा। तो दोस्तों जब सब लोग चर्चा कर रहे हैं तो आप उस चर्चा का हिस्सा बनो और अपन शिक्षा का व्यापार खत्म करेंगे। मैं 200 रुपये 100 रुपये से ऊपर कोई कोर्स नहीं रखूंगा, हर एक कोर्स बहुत सस्ता रखूंगा। ओके दोस्तों, और कभी भी शिक्षा का व्यापार न करूंगा न करने दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय बाय।